कि हम बर्फ भी शबनम भी गुले तर भी हुए हैं, आया है अगर वक्त तो पत्थर भी हुए हैं। हम बर्फ भी शबनम भी गुले तर भी हुए हैं, आया है अगर वक्त तो पत्थर भी हुए हैं। जिस शान से वीराने को आबाद किया है हम लोग, उसी शान से बेघर भी हुए हैं। आइए आपकी दिल की तर्जुमानी इस शेर में मैं कर रहा था, लेकिन हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया की ख्वातीन की जज्बात की तर्जुमानी मोहतरमा फलक सुल्तान पूरी कर रही थी। दोनों के तालमेल में मुशायरा बहुत ही कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा था। अब मैं चाहता हूँ कि आप ही के दियार के एक बुजुर्ग शायर जनाबे डॉक्टर शफीक साहब को आवाज दे दूं कि वो आए और कुछ नसीहत आमोज गुफ्तगु को अपनी शायरी के जरिए हम तक पहुँचाएं, ताकि हम बिगड़े हुए नौजवान सिरात मुस्तकीम पर चलने के लिए मजबूर हो जाएं। मेहमाना ने खुसूसी शोरा इकराम और मौजूद सामने जी बेशक इनायत, मैं चंद शेर सिर्फ पेश करूंगा, दो तीन मिनट इनायत अपने कुछ अशार के जरिए आपको एक पूरी कौम पूरे मुल्क के वासियों को एक पैगाम पैगाम जी जी इनायत डॉक्टर मुलाहिदा फरमाएं कि खुशी का मुजदा सुनाओ तो कोई बात बने, खुशी का मुजदा सुनाओ तो कोई बात बने, खुशी का मुजदा सुनाओ तो कोई बात बने, कंवल दिलों के खिलाओ तो कोई बात बने। वाह वाह वाह, खुशी का मुजदा सुनाओ तो कोई बात बने, कंवल दिलों के खिलाओ तो कोई बात बने, कमल दिलों के खिलाओ तो कोई बात बने, और कदम मिला के ही चलने में आफियत है मगर, कदम कदम मिला के ही चलने में आफियत है मगर, दिलों का फर्क मिटाओ तो कोई बात बने। कदम बहुत अच्छे डॉक्टर साहब क्या कहें, आफियत है मगर दिलों का फर्क मिटाओ तो कोई बात बने, दिलों का फर्क मिटाओ तो कोई बात बने। और शेर सुनिए कि वो हिंदू हो कि मुसलमान, अमीर हो कि गरीब, वाह वो हिंदू हो कि मुसलमान, अमीर हो कि गरीब, अमीर हो कि गरीब, गले से सबको लगाओ तो कोई बात बने, वो हिंदू हो कि मुसलमान, अमीर हो कि गरीब, गले से सबको लगाओ बात बने, कि अंधेरा हद से सिवा है, अंधेरा हद से सिवा है तो देखते क्या हो, अंधेरा हद से सिवा है तो देखते क्या हो, उठो चिराग जलाओ तो कोई बात बने। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब क्या कहने, सिवा है अंधेरा हर से सिवा है तो देखते क्या हो, उठो चिराग जलाओ तो कोई बात बने। दोस्तों माँ का मौजू इस वक्त बहुत महबूब है हमारे तमाम शोरा ने माँ के मौजू पर इनायत। दो शेर में सिर्फ चार इनायत, माँ के मौजू पर इनायत जी जी अल्ताफ भाई सुनिएगा शेर। देखिए अर्ज किया है कि मारने और सताने के लिए आते हैं, वाह वाह, मारने और सताने और सताने के लिए आते हैं, मेरा घर बार जलाने के लिए आते हैं। क्या कहना है, चौथा मिसरा लिखिएगा कि मारने और मारने और सताने के लिए आते हैं, मारने और सताने के लिए आते हैं, मेरा घर बार जलाने के लिए आते हैं, रोक लेती है, रोक लेती है हर एक बार मेरी माँ की दुआ, रोक लेती है हर एक बार मेरी माँ की दुआ, वो मुझे जब भी मिटाने के लिए आते हैं, वो मुझे जब भी मिटाने के लिए। वाह वाह बहुत,
क्या कहने हैं। आखिरी चार मिसरे में पेश कर रहा हूँ, इसमें एक लफ्ज फलाने का इस्तेमाल मैंने किया है। अनायत किसे कि रह गए पीछे ही हम और वो सयाने हो गए। रह गए पीछे कि हम और वो पीछे ही हम और वो सयाने सयाने हो गए। मेहनतें की हमने और उनके खजाने हो गए। मेहनतें की हमने और उनके खजाने हो गए। रह गए पीछे ही और वो सयाने हो गए। मेहनतें की हमने और उनके खजाने हो गए। शेर देखिएगा कि दुख पाएगा कि खून देकर हमने सींचा बाग के हर पेड़ को। खून देकर हमने सींचा बाग के हर पेड़ को। फूल फल आए तो फिर मालिक फलाने हो गए। क्या कहने, बहुत अच्छे भाई हाजी मोहम्मद अकरम साहब गुलपोशी। खून देकर हमने सींचा बाग के हर पेड़ को। फूल फल आए तो फिर मालिक फलाने हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए दोस्तों, ये थे जनाबे डॉक्टर शफीक साहब जो ये फरमा रहे थे कि कमल दिलों पे खिलाओ तो कोई बात बने। मेरे जहन में यही बात आ रही थी कि बनाने वालों बनाओ तो कोई बात बने। आज की डाइस पर आली जनाब अबू जैस अंसारी साहब तशरीफ रखते हैं, ये शेर समाप्त फरमाए कि बनाने वालों बनाओ तो कोई बात बने। वतन से जुल्म मिटाओ तो कोई बात बने। बनाने वालों बनाओ तो कोई बात बने। वतन से जुल्म मिटाओ तो कोई बात बने। और भड़क उठी है हर एक समत आतिशे नफरत, उसे बुझा के दिखाओ तो कोई बात बने। दोस्तों, शायर वाकई नफरतों को बुझाने का काम करता है, दिलों को मिलाने का काम करता है, एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है, अमन और शांति का पैगाम देता है। ये सब कुछ उस वक्त आपको महसूस होगा जब आपके दियार का वो शायर